ओह, इसे ठीक करना होगा। क्या ये डॉलर ज्यादा ग्रीन है? ये असली लग रहा है। मेरे डायमंड सीधे रखो आर्ची। आर्ट चैलेंज में आपका स्वागत है। Yes! मेरा हेड पीस दो आर्ची। आर्ट चैलेंज का इनविटेशन। मैं तैयार हूँ। मुझे आर्ट चैलेंज में इनवाइट किया है। कमाल है। मुझे बहुत खुशी है मैं यहाँ हूँ। मैं वीआईपी टेबल पर क्यों नहीं हूँ? ईजल को देखो, ये हमारा टास्क है। मैं क्या बनाऊ? खैर, मेरे बैकपैक में क्या है? जब तक लड़कियों तुम प्लान बना रही हो, तब तक मैं अपने 3D पेन से काम कर रही हूँ। पॉप ट्यूब? नहीं। टॉयलेट पेपर? अभी नहीं। ट्रायंगल और रिंग को जोड़ें। येलो ट्रिम लगाएं। अब मेरे पास खूबसूरत डायमंड रिंग है। क्या 3D डायमंड? मुझे यही चाहिए। हेलो आर्ट रोबोट, इस पिक्चर को ड्रॉ करो। समझ गया मैडम। मॉमी लॉन्ग लेग्स और हगी वगी। आर्ट वर्क शुरू कर रहा हूँ। ओ न्यूटन, ये लो। टास्क पूरा हुआ। शुक्रिया प्यारे रोबोट, तुम मेरे वर्चुअल वैन गो हो। गर्ल्स, मेरी ड्राइंग देखो, वो कहाँ है? आखिरकार, मैं इसे ही ढूंढ रही थी। बस स्ट्रॉ काटनी बाकी है। आखिरी हिस्से को पेंट में डुबोएं और छोटे छोटे सन बनाएं। ये रहे मेरे फ्लावर्स, मैंने इन्हें एक स्ट्रॉ से बनाया है। वो हो, मेरे स्ट्रॉ 3D पेन और आर्ट रोबोट को हरा नहीं सकते। और विनर है सैंड्रा और किम। क्या सिर्फ मैं ही विनर होनी चाहिए थी? नया टास्क, वो क्या है? टॉयलेट। सच में इसमें क्या है? ओह गोल्ड, मुझे पता था। चलो यहाँ देखते हैं। थोड़े से पैसे, मुझे क्या मिलेगा? ओह स्पिरिट्स, मेरी ताकत बढ़ाओ। हे भगवान, हे दोस्तों, आपको क्या लगता है शायरन को क्या मिला है? अपने जवाब कमेंट में लिखें। कोई बात नहीं, मुझे इससे निपटना होगा। ये सिर्फ एप्पल कोर है, ये इतना बुरा नहीं है। अगला राउंड, हमें इस बार पेंट करना है। मैं तैयार हूँ। मेरे पास कोई ब्रश नहीं है, पर मेरे पास मेरी गोल्ड चेन है। पेंट में चेन को डुबोएं, फिर इसे पेपर पर रखें। मैं पेंट खोल नहीं पा रही। गुड लक। ओह रिंग, मैं अपनी नई चेन को रिंग में डालूंगी और बढ़िया डिजाइन बनाऊंगी। ये सुंदर है, बस थोड़ा सा गोल चाहिए। मेरा गोल मार्कर काम आएगा। मैं पेंट से अपने हाथ गंदे नहीं करूंगी। बहुत महंगा है। क्या? मेरे बैग में जाओ डायमंड। अब इसे बीट करें। परफेक्ट, डायमंड डस्ट। मेरी पेंटिंग तैयार है। आखिरकार मैंने कर दिखाया। सभी का हो गया है। मुझे जल्दी करना होगा। थोड़े थोड़े सारे कलर। मैं ब्रश कहाँ इस्तेमाल करूँ? टूथ ब्रश। मैं कोशिश करती हूँ। मेरी रेनबो को टेस्ट करो। तुमने टूथ ब्रश यूज किया? ये बहुत बकवास है। मेरी किटी रेनबो, मैंने कर दिखाया और ये राउंड जीतती है। शारन, मुझे पता है, मेरी कैट रेनबो कमाल की थी।
ये नामुमकिन है, मेरा डायमंड ज्यादा बढ़िया था। ओरिगामी, ये पेपर ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मैं इसे गोल्ड में कवर करूंगी। अब ये पेपर मेरे लिए ज्यादा बढ़िया है, मुझे स्क्वायर चाहिए। फालतू हिस्से को काटें, फिर कॉर्नर्स को अंदर की तरफ फोल्ड करें। कैम ओरिगामी में माहिर है। झांकना मना है, अपना सैंडविच खाओ। अब मैं कॉर्नर को 3 बार मोड़ूंगी और आखिर में टक कर दूंगी। बढ़िया, मेरे गोल्ड क्लॉज तैयार है, मुझे बस उन्हें नीचे से फाइल करना है। ये बहुत फैंसी लग रहे हैं। पैसे सबसे बढ़िया मटेरियल है, मैं $100 बिल से कुछ भी बना सकती हूँ। इसे रोल करें, इसे घुमाएं और कॉर्नर से मोड़ें। कमाल है। अब इसे वापस खोलें और फ्री साइड को अनफोल्ड करें। सही एंगल से एजेस को बेंड करें, कॉर्नर को अंदर डालें, फिर आपको बढ़िया हार्ट मिल जाएगा। मुझे पैसे से प्यार है। ये देखो लड़कियों, कितना बढ़िया सैंडविच है। मेरे पास अभी भी रैपिंग पेपर है, मुझे बस यही चाहिए था। स्क्वायर को फोल्ड करें। रूलर, मैं बिना कैंची के एक्स्ट्रा पेपर फाड़ सकती हूँ। ट्रायंगल बनाने के लिए पेपर को अंदर की तरफ डालें, एज को बीच की तरफ मोड़े। एक बार और इसे सीधा करें और नीचे के एज को मोड़े। दूसरी डायरेक्शन में एक बार करें, कॉर्नर को अंदर की तरफ फोल्ड करें। मैंने एक फ्रॉग बनाया है, इसमें सिर्फ फेस की कमी है। हो गया, हो प्रिंसेस फ्रॉग, वापस घर आ जाओ। मेरा फ्रॉग देखो गर्ल्स, ये राउंड किम और उसके गोल्ड नेल्स ने जीता है। मैंने कहा था मैं सबसे खास हूँ, तुम लूजर्स हो। उदास मत हो फ्रॉगी, नया टास्क 8 हैक्स। वाओ, ये क्या है, नमक? मेरे पास हैंड सैनिटाइजर है, मेरे पास सबसे अच्छी चीज है कैंडल, मैं यही इस्तेमाल करूंगी। कैंडल का इस्तेमाल क्यों करना जब आप वाटर कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फॉरेस्ट पेंट करूंगी। इस टोमेटो में थोड़ा सॉल्ट डालना चाहिए। सॉल्ट नमी सोखता है, मैं और भी डालूंगी। एक और भूखी आर्टिस्ट, मैं पेंटिंग में गुआश का इस्तेमाल करूंगी। मेरे पास ब्लू और रेड है, अगर मैं इन्हें मिक्स कर दूं तो मुझे पर्पल कलर मिलेगा। बढ़िया, मैं नाइट स्काई पेंट करूंगी और मैं मून के लिए सर्कल छोड़ देती हूँ। ब्लू और येलो, दोस्तों क्या होगा अगर मैं इन्हें मिक्स कर दूं? मुझे कौन सा कलर मिलेगा, हमें कमेंट्स में बताएं। और यहाँ पर सिटी होगी, छोटी विंडोज के साथ स्काई स्क्रेपर्स। यहाँ कॉकरोच इन्फेस्टेशन है, मेरे से दूर रहो, आराम से शांत हो जाओ। मेरी पेंटिंग पर गिरे हैंड सैनिटाइजर की बूंदों से ऐसा लग रहा है मून में क्रेटर्स हैं। मैं थोड़ा सा और लगाऊंगी। अब आसमान सुंदर और साफ है, कितनी प्यारी सिटी है और पेंटिंग जर्म फ्री है। शारन, तुम क्या कर रही हो? मैं सॉल्ट को हटाने वाली हूँ, नमक ने पानी सोखा और सफेद सर्कल छोड़ दिए। किम, तुम क्या ड्रॉ कर रही हो? क्या सबने बना लिया है? मैंने भी। मेरी कैंडल ड्राइंग देखो, क्या ड्राइंग बना रही है? ये इनविजिबल है, ये असली पेंटिंग है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। पेंट पूरे पेपर पर फैल गया है, अब तुम्हें मेरी ड्राइंग दिखेगी। ये बहुत जादुई है और आज चैलेंज का रिजल्ट ये है कि सभी जीत चुके हैं, हम सब चैंपियन हैं। मैं इनमें शामिल नहीं हूँ, हम जीत गए। ये क्या है, नया चैलेंज? वाओ, हमारे ब्रांड न्यू चैलेंज में आपका स्वागत है। हमारे कंटेस्टेंट से मिलिए। हाय, मैं शारन हूँ। मेरी ड्राइंग देखने को तैयार हो? हाय, मेरा नाम निक है। हेलो, मैं एशली हूँ। कंटेस्टेंट ने अपने कार्ड्स निकाल लिए। क्या
बिना हाथों के ये तो मुश्किल है। एक भी काफी है, मैं लकी हूँ। तो अब तुम्हें पता है कि तुम ड्राइंग कैसे करने वाले हो। ये स्मेल कैसी है? ओ हाँ, प्याज की ड्राइंग बना रहे हैं। ईयू, बेकार, मुझे प्याज से नफरत है। और शुरू करो। शेरन को परेशानी हो रही है, पर वो जीतना चाहती है। लगता है कि एशली ने आर्ट स्कूल में स्टिल लाइफ ड्राइंग सीखी है, वो काफी बढ़िया बना रही है। मेरी आंखों में प्याज लग गया, आओ। मैं आगे की सोचूंगा, सेफ्टी पहले है। शेरन ने बिना हाथों का इस्तेमाल किए एक प्याज बनाया था। एशली की ड्राइंग तो आंसुओं से भीग गई है। निक ने एक मक्खियों से घिरा एक सड़ा हुआ प्याज बनाया है। शेरन जीतती है। मैंने कर दिखाया। मेरी ट्रॉफी, आओ मेरी आंखें। हा, 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 हा। अपने कार्ड्स निकालो, इस राउंड में कौन लकी है? हाय, जारी रखते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, या यहाँ? हा, बर्गर्स, याम, मुझे बहुत पसंद है, मुझे वो चाहिए। ये बहुत बढ़िया है। और शुरू करो, तुम्हें खाने की चीजों का आर्ट सप्लाइज की तरह इस्तेमाल करना है। वाह, मुझे ये असाइनमेंट पसंद है। ओह, मैं हाथों वाली शर्त को तो भूल ही गई थी। खैर, लगता है मुझे कुछ हट के सोचना होगा। फैला हुआ केचप और उसके ऊपर फ्राइज एक बर्गर की तरह दिखते हैं। मैंने कर लिया। निक इस राउंड में ड्रॉ करने की बजाय खाएगा। तुम अच्छा कर रही हो। शेरन एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है, बस स्ट्रॉ और केचप से ड्रॉ करना मुश्किल है। टाइम खत्म हुआ, हमें अपना काम दिखाओ। इस राउंड में एशली जीतती है। मेरे बर्गर्स मैं तुम लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। 1, 2, 3, चलो। सच में? हाँ, ये लो, कम से कम मुझे एक तो मिला। आज हमारे पास हॉट पेपर है। ओह, एक चिली पेपर। ठीक है, शुरू करो। ये कहाँ गया? मेरा रेड कलर कहाँ है? मेरे पास रेड है ही नहीं। मैं अब कैसे ड्रॉ करूंगी? कंटेस्टेंट घबरा रहे हैं। वो क्या करें? मुझे कुछ और सोचना होगा। ओह, मेरे पास रेड लिपस्टिक है। उनका होने वाला है, सोचो निक। नहीं, ये नहीं। ओह, ये ठीक है। पेपर को पेज पर चिपका देने से और भी असली लगेगी। अपनी ड्राइंग दिखाओ। ठीक है, अब तुम अपने हाथ इस्तेमाल कर सकती हो। और विनर है निक। ये और तुम्हें अपना इनाम खाना होगा।
नहीं, ये रूल्स हैं। नए कार्ड्स। ये दोनों हाथ फिर से नहीं। मुझे एक मिला। तुम्हारा अगला सब्जेक्ट है हबा बाबा गम। हबा बाबा बुरा नहीं है। और शुरू करो। जहाँ एशली और निक काम कर रहे हैं, शेरोन दिन में सपने देख रही है। ओ, टास्क, मेरे पास समय नहीं है। ओ, मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। वॉयला, कैसा लगा? मेरा ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने ये बनाया है। मैं एक बबल फुलाने वाला हूँ। ये काफी बड़ा है। ओ, निक, आग। अब हम इसे कैसे हटाएं? इसे बाहर निकालो। माफ करना, मेरा ये इरादा नहीं था। ये हाबा बाबा किसी को नहीं मिलने वाला। अपने कार्ड्स निकाल लो। हाँ? अरे यार, बढ़िया, बुरा नहीं है। मॉम, मुझे नहीं पता मैं कब तक वापस आऊंगा। ओ, अगली चीज है एक नया आईफोन। वाह, ये तो बढ़िया इनाम है। वो मुझे ये चाहिए। बहुत बढ़िया। प्लीज शुरू कीजिए। मैं जीतने के लिए जो भी कर सकती हूँ करूंगी। मुझे जल्दी करना होगा। मेरे पास दोनों हाथ हैं, तो मैं दुगनी तेजी से बना सकता हूँ। मेरे पास एक प्लान है। निक, तुम बहुत प्यारे हो, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? बिल्कुल, ये लो। तुम सबसे अच्छी हो। एशली बहुत जल्दी जल्दी कर रही है। उसके मार्कर्स बहुत तेज चल रहे हैं। आह, क्या आग लग गई। एशली जीतने के लिए काफी मेहनत कर रही है। ओ नहीं, मैंने सब कुछ खराब कर दिया। टाइम हो गया। मेरे पास बस राख है। ये लो, ये मेरा है। निक, तुम जीते। क्या मैं सपना देख रहा हूं? मेरा क्या? ओ, ये बहुत खास है। सेल्फी? और किसी को तो कुछ भी इनाम नहीं मिला। कार्ड्स? ये मुझे मेरे दोनों हाथ इस्तेमाल करने को मिल रहे हैं। शायद से मैं एक ही इस्तेमाल कर रहा हूं। ओह, कोई भी हाथ नहीं। इन पैसों की खुशबू तो सूंघो। वाह, अच्छा बुके है। पर रुको, इसके अंदर एक सरप्राइज है। ब्रोकली? नहीं नहीं नहीं, मुझे ब्रोकली से नफरत है। नहीं, इसे दूर ही रखो। शुरू करो। मेरे ख्याल से हमें ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तुम शुरू क्यों नहीं कर रहे? पेंसिल लो, यहाँ है ही नहीं। मैं तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगी। पेंट की बूंद से मैजिकली ब्रोकली बन गई। मैं देखूंगी भी नहीं। अरे नहीं, ये कैसे हो गया? हाँ, मैं बस पेज को मरोड़ लूंगा। क्या? हे दोस्तों, बढ़िया ड्राइंग है। तुम सब जीते हो। हॉट डॉग बढ़िया है। चैलेंज टाइम। ओ, लेट हो गया। सिर्फ एक हाथ। बैड लक।
ओ, दोनों हाथ, बढ़िया है। दोस्तों, हमारे छोटे से मेहमान का स्वागत करो। तुम्हें इस राउंड में लाइव ड्राइंग करनी है। कितना क्यूट है। ओ बेबी, कितना प्यारा है। ये मुश्किल है, मॉडल एक जगह बैठता ही नहीं है। वो एक जगह बैठता क्यों नहीं है? रुको, तुम कहाँ जा रहे हो छोटे से शैतान? निक को तो इस डॉग की ज्यादा चिंता है, उसके हॉट डॉग की। टाइम खत्म हुआ, चलो देखते हैं। मैंने ये बनाया और मैंने ये। बढ़िया टीम वर्क है, एकजुट होने से शक्ति बढ़ती है। ये हे, गलत डॉग। हाँ, ये वाला बेहतर है। अपने कार्ड्स ले लो। मेरे पास दोनों हाथ हैं, मुझे बस एक ही मिला है। अरे यार, जो सही है वो सही है। और अब बोनस राउंड का समय है। वाह, इसकी उम्मीद नहीं थी। अपनी आंखें बंद कर लो और झांकना मत। चलो, सिर्फ तुम्हें पता है कि तुम क्या ड्रॉ कर रही हो। निक को गेस करना होगा कि शेरोन उसकी पीठ पर क्या ड्रॉ कर रही है और उसे कॉपी करना होगा। ये क्या है? ओ, मेरे ख्याल से मुझे पता है। आ, समझ गई। टाइम खत्म हुआ, तुमने क्या ड्रॉ किया है? ट्रूम ट्रूम लोगो। एक फूल। ये एक सिंपल डिंपल था। इस राउंड में कौन लकी है? ओ नहीं, मैं जो चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। कुछ ना होने से तो एक हाथ भी बेहतर है। अब आपको टिक टैक्स बनाने हैं। पसंद नहीं आया? अब कैसा है? बहुत बढ़िया। वाओ, शुरू करो, जल्दी करो, बैठे मत रहो। शेरोन बहुत ध्यान से काम करती है। जरा देखो, वो बहुत अच्छे से लाइंस और कलर्स कर रही है। क्या वो जीत जाएगी? समय लगभग खत्म हो रहा है, मुझे समय पर खत्म करना होगा। निक को टिक टैक ड्रॉ करने की बजाय खाना चाहिए। अब ठीक है। ओह, मुझे यही चाहिए था। एशली एक ह्यूमन प्रिंटर की तरह है और निक बस अपनी नाक इस्तेमाल करता है। नहीं, हम जीत नहीं सकते। निक को इस प्राइस की ज्यादा जरूरत है। हमारे पास कुछ नहीं है, मेरे पास है। पकड़ो। शुक्रिया, कॉन्ग्रेट्स। थोड़ी सी अभी ही खा लो। ड्रॉ इट चैलेंज में वापसी। एशली को अपना कार्ड पसंद नहीं है, पर निक को पसंद है। हाई फाइव, हा हा हा। शायद ये राइट वाला, नहीं लेफ्ट, नहीं ये रहा वो। ये पॉपेट है, इसे ड्रॉ करो और जीत लो। चलो, hmm.
एशली को हाथों के बिना पॉपेट ड्रॉ करने का बढ़िया आइडिया आया। हो गया, ये टास्क तो एक हाथ से करना और भी आसान है। खैर, ये ठीक नहीं लग रहा। जो भी है, हाँ, ये सिंपल डिंपल कैसे बन गया? निक इसमें कोई मेहनत नहीं करना चाहता, उसके पास अलग ही स्ट्रेटजी है। मैं जीतने वाला हूँ। मेरा वाला ठीक लग रहा है, मैं बेस्ट हूँ, मैंने ये बनाया और विनर है एशली। ये मेरा है। नहीं, मुझे जीतना चाहिए था, ये तो बहुत गलत है। चलो इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए एक एलिफेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मेरा एलिफेंट चेयर जैसा ज्यादा लग रहा है, मेरा किसी की तरह नहीं लग रहा है। प्लीज हमारी मदद करो, एक एलिफेंट बनाना सच में बहुत आसान है। अपना हाथ पेपर के टुकड़े पर रखो, फिर अंगूठे को छोड़कर सारी उंगलियां मोड़ दो। अब इसकी आउटलाइन बनाओ। अब तुम्हें सिर्फ डिटेल्स बनानी है, एक पूंछ, चेहरा और कान और टांगे। वाह, ये काम कर गया, शुक्रिया। मैं इस एलिफेंट को पेंट करने से रुक नहीं पा रही। एलिफेंट तैयार है, इसे लाइक करें। मैं इन सभी क्ले का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। लिलियन, चलो एक कलर से शुरू करते हैं। ये बोरिंग नहीं लगता? कलर्ड पेपर पर जिराफ बनाने के लिए मॉडलिंग क्ले का इस्तेमाल करें। इसमें ऑरेंज डॉट्स लगाएं। ये जिराफ बहुत खुश है। कितना प्यारा है। मुझे पसंद आया। मुझे बहुत भूख लगी है। रुको, हमारी आर्ट क्लास शुरू हो गई है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी बर्गर कैसे ड्रॉ करते हैं। पेपर पर पेंट की मोटी लेयर्स लगाकर बर्गर बनाएं। इसे क्लियर प्लास्टिक पर छाप लें। इसके दूसरी तरफ मार्कर से आउटलाइन बनाएं और डिटेल्स बनाएं। मैं इस बर्गर को दीवार पर लटकाऊंगी और इसे खाऊंगी। क्या तुम तैयार हो? चैलेंज मंजूर है। सबसे अच्छा आर्टिस्ट ही जीतेगा। लड़कियां रंगों से लड़ रही हैं। जो भी दूसरे पर ज्यादा ब्राइट रंग लगाएगा वही जीतेगा। तुम इसे नहीं बच पाओगी। बहुत हुआ, मैंने हार मान ली। मुझे ही सारा पेंट साफ करना होगा, लेकिन लड़कियों ने अपनी टी शर्ट को टावल समझ लिया। वूप्स, नियॉन फैब्रिक पेंट से सफेद टी शर्ट पर अलग अलग डिजाइन बनाएं। फैब्रिक मार्कर से वर्ड्स लिखें। वाह, हमें हमारी नई टी शर्ट बहुत पसंद आई। ये चमकती भी है। ओ हाँ, ये हमारी मनपसंद टी शर्ट है। हमें कौन सी ड्राइंग बनानी चाहिए, ये वाली या ये वाली? ये कैसी रहेगी? हाँ, चलो इसे प्रिंट करें। चलो इसे अब कलर करते हैं। इससे और भी मजेदार तरीका है। पपेट को पेंट से भरें और इसकी बूंदे ड्राइंग पर लगाएं। ब्रश से सारे ड्रॉप्स को जोड़ दें। अब तुम अनोखे कलर ट्रांजिशंस बना सकती हो। ये कमाल है, शुक्रिया। वेलकम। कूल ड्रिंक के साथ सेल्फी, मजेदार है। हाय। वाओ।
अच्छी ड्रिंक है, क्या मुझे भी एक मिल सकती है? हाँ, लेकिन तुम्हें इसे पीने की जरूरत नहीं है। पहले इसमें थोड़ा पानी और ब्लू पेंट डालो, फिर इसके ऊपर कलर्ड सनफ्लावर ऑयल डालो। कुछ मिसिंग लग रहा है। बिल्कुल, व्हिप क्रीम की जगह शेविंग क्रीम। बिल्कुल सही रहेगी। ये ड्रिंक सिर्फ पिक्चर्स के लिए है, ये सेल्फी लेने का समय है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कलर्स हैं। ये कौन सा है? मेरा हाथ ऑरेंज हो गया है। अगर मैं इसे कैनवस पर छाप दूं तो? वाह, मैं भी ये कर सकती हूँ। मेरा प्रिंट पिंक होगा। ओ हाँ, और अब फिस्ट स्टैम्प। चलो बेस्टी। ओह, तुम्हें इसे पूरा करना चाहिए। पेंट को निचोड़कर अपने हाथों से पूरे कैनवस पर फैला दो। इसके सूखने के बाद इस पर एक्रिलिक मार्कर से डूडल्स बनाएं। इस कैनवस पर एक पूरी नई दुनिया है। हमने बहुत अच्छा काम किया।